तो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं विपिन कुमार कश्यप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर विपिन स्टेक में। मैं इसमें हर एक चीज़ की जानकारी देता रहता हूं आपको, अनबॉक्सिंग करता रहता हूं नए नए प्रोडक्ट के बारे में। आप मुझे कमेंट करके बताते भी हैं और मैं लिंक भी आपको शेयर कर देता हूं, जिससे कि आपकी वो चीज़ें जो जानकारी इसमें लेकर के आप उसको परचेज कर पाए जाकर। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो गाइस, मुझे आपसे थोड़ी सी शिकायत है कि कुछ कमेंट्स आप कम करते हो, कुछ बताते नहीं हो कुछ इसके बारे में कि आप किस टाइप का वीडियो बनाइए और किस चीज़ का अनबॉक्सिंग करके बताऊं आपको। क्योंकि जितने मेरे पास सारे प्रोडक्ट नए नए आते हैं उसके बारे में सारी चीज़ें बता ही देता हूं ऑलरेडी। और भी कुछ कमेंट तो आपके हों, कुछ आपको डेमो चाहिए होगा, कोई चीज़ है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो गाइस, आज मैं आपको डेमो देने वाला हूं एक जूसर का जो नया लॉन्च हुआ है, वो है BPL कंपनी का जूसर। उसे कैसे यूज करना है और उसका अनबॉक्सिंग भी करके आपको दिखाऊंगा और कितने प्राइस में आता है और उसका कैसा रिव्यू है, वो सारी चीज़ बताने वाला हूँ वीडियो पर। तो बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक, आपको बता देता हूँ सारी चीज़ें। तो गाइस, मैं इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, आपको अनबॉक्स करके बताता हूँ। ये जो है ना BPL का जूसर ओनली है, इसके बारे में आपको बताता हूँ कैसा क्या है और इसको अनबॉक्स करके ही बता रहा हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, आपको ओपन करके बताता हूँ। मैं इसको ओपन करता हूँ। ये देखिए प्रोडक्ट, और ये इस टाइप का ये प्रोडक्ट है, बहुत ही लुक में बहुत बढ़िया है। इसका पूरा मैं सेटअप करके बताता हूँ आपको। इस टाइप का रहेगा प्रोडक्ट और यहाँ से ये नॉब दिया हुआ है स्पीड के लिए, अलग अलग स्पीड के लिए नॉब दिया हुआ है। यहाँ से अलग अलग ओपन चालू कर सकते हैं। और इसमें एसेसरीज की बात करें तो एक एसेसरीज में ये आ जाएगा, और सेकेंड एसेसरीज की बात करूँ तो ये एसेसरीज में आ जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा क्या है, जैसे एक्स्ट्रा में आपको एक ये जो ना पुशर मिल जाएगा पुश करने के लिए, और एक सेकेंड पुश ये भी करने के लिए मिल जाएगा आपको। आपको ये लगाना कहाँ है वो आपको बता देता हूँ मैं वीडियो में, हिमट बन रही है। और ये सारा अटैच मैंने आपको अटैच करके बता, पहले मैं इनको ओपन कर लेता हूँ सारी चीज़ों को। इसका कवर मिल जाएगा, ऊपर का ढक्कन आपको, और यूज कैसे करना उसके आपको बता देता हूँ दोनों कहाँ पर यूज होंगे। ये सारे एसेसरीज देखेंगे तो मिल जाएंगे आपको। इसको बॉक्स में कर देता हूँ नीचे। सो गाइस, ये एसेसरीज मिल जाएंगी, एक दो तीन चार और एक पाँच, ये एसेसरीज मिल जाएंगी। और आप प्रोडक्ट जो है ना इस टाइप का रहेगा, इसका वायर भी यहाँ से देख सकते हैं आप, ये रहेगा। और इसका वाट कैपेसिटी अगर बात करूँ तो वाट इसमें दिया हुआ है 500 वाट की मोटर कैपेसिटी दी हुई है, 500 वाट की। सो मोटर कैपेसिटी काफ़ी हैवी है, यूज कर पाएंगे अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको मैं अटैच करके बताने वाला हूँ कैसा अटैच करना है आपको और कैसा इसका जूस इससे निकालना है। सो गाइस, यहाँ से आप देख सकते हैं लॉक दिया हुआ है, ये लॉक देखेंगे इस, यहाँ पे आपको लॉक इस टैप को ओपन करेंगे जैसे ओपन हो जाएगा। और ये जो है ना इस टैप से यहाँ से ओपन होकर इसको ओपन कर सकते हैं। और ये इसका ब्लेड रहेगा, ये ब्लेड देख सकते हैं, ये ब्लेड ऊपर खिसकाएंगे ऐसे निकल आएगा ब्लेड सिंपल तरीके से। और इसको आपको ये अटैचमेंट हटाना है, क्लीन करना है अगर, तो इस टैप को थोड़ा सा घुमाएंगे और ये क्लीन करने के लिए हो जाएगा। सो ये आपका ओपन हो गया पूरा। अब इसको अटैच करना है अगर तो सिंपल तरीके से अटैच करना है आपको, इसी टाइप का लगा देना थोड़ा का। अभी ऊपर वापस इसका जो ब्लेड है वो लगा देंगे। सो गाइस, अगर ये आपको ऊपर का कवर ऐड करना है तो एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। इधर लाओ, ये पॉइंट आपको लॉकर पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। और यहाँ पर जो पॉइंट दिया हुआ है इसको हमें ध्यान रखना है, पहले इसको यहाँ से अटैच कर देना इस टेप का, और यहाँ से इस पॉइंट को हमें पुश करके दबा देना है, और यहाँ पर ये लॉक कर देना है, ये लॉक हो जाएगा। पर इसके बाद आप इसको फिट कर दीजिए, ठीक है ना, इस टाइप का फिट होगा तभी ये लॉक होगा। सो गाइस, ये आपका जो है ना ये कर्जा टाइप का मिल जाएगा, जो आपको पुश करना है, कोई भी आपका जूस निकालना, कोई भी चीज़ का जूस निकालना है लाइक, तो इसको पुश करना होता है और मोटर चालू कर देना है तो पूरा क्रश होकर जो ना इससे जूस यहाँ से बाहर आएगा। और ये अटैचमेंट आपको जूस के लिए दिया हुआ है, यहाँ से नल टाइप का रहेगा, और ये आपका आ जाएगा ग्लास, इसमें ऐड हो जाएगा पूरा जो भी ये जूस होगा इसमें आएगा। और आपका जो डस्ट रहेगा मीन्स इसका जो वेस्टेज आएगा, वेस्टेज आपका यहाँ से आ जाएगा, इस टाइप का यहाँ रख देना, सारा वेस्टेज यहाँ पर आएगा सिंपल तरीके से, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा। सो गाइस, इस टाइप का इसका फिटिंग करना है और स्टोर करना है। और ये इसकी बात करें ये क्या है, तो ये है क्या, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट्स जो दिया गया है ये पार्ट्स आपका काम करेगा। आपको लगाना ऐसे इस यहाँ से खाली पॉइंट में लगाना इस टाइप से। आप कोई भी चीज़ का जूस निकालना चाहते हैं ना तो काफ़ी क्वांटिटी में अगर डालते हैं तो इधर उधर गिर जाता है, फ्लोर पे गिर जाता है, जो हमें क्लीन करना पड़ता है वो चीज़ ना करना पड़े। कंपनी ने सोचकर बनाया हुआ कि इतना जो पार्ट रहेगा आप यहाँ पे इतना डालेंगे ना कोई भी चीज़ तो बाहर नहीं जाएगा और इससे धीरे धीरे करके अंदर जाएगा और जूस क्लीन तरीके से निकल आएगा। सो गाइस, इसका स्टोरेज इस टाइप का है,
और इसका वाट और मोटर कैपेसिटी मैंने ऑलरेडी बता दी है। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा इसका इंस्टॉलेशन कैसे करना है और कितना बेनिफिशियल है ये प्रोडक्ट। आप देखेंगे मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे आते हैं जो बहुत महंगे पड़ जाते हैं, कॉस्टली पड़ जाते, जो हम कवर नहीं कर पाते हैं। आते हैं मिनी जूसर भी आते हैं और हैंडी जो जूसर भी आते हैं, बहुत तरीके से अलग अलग आते हैं, अलग अलग ब्रांड अलग अलग कंपनियाँ बनाती हैं जो बहुत महंगे रेट पे मिलते हैं। आप मार्केट में जाओगे तो बहुत सारे महंगे रेट में आपको ये प्राइस वाइज बहुत अच्छा आ जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको नीचे दे दूंगा लिंक, जाकर के वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। और गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और अगर इस टाइप की वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और मेरा वीडियो आपको पहले मिले और आप देख सकें। सो गाइस मिलते हैं नई वीडियो पे, नई अनबॉक्सिंग पे। थैंक यू।